खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में मंगलवार को पन्ना रोड और बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक ओवरलोड ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। छतरपुर पुलिस लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन सड़क हादसे के बाद एक बार फिर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 ओवरलोड ऑटो चालकों और 3 यात्री बसों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही करीब 6,600 रुपए समन शुल्क वसूला गया। यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। आज जो सड़क दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुखद दुर्घटना है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि ऑटो चालक द्वारा ट्रक के पीछे टकरा जाने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुखद दुर्घटना तो है ही, और चूंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग पहले लगातार जिले में सख्त कार्रवाई कर रहे थे। बीच में हम लोगों ने एक मॉडल अडॉप्ट किया था कि कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता के माध्यम से भी इनको समझाइश दी जाए, लेकिन यह देखने में आया कि जागरूकता अभियान के साथ साथ इनके उसमें व्यापक असर नहीं हो रहा है। आज भी ये लापरवाही कर देते हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज इतनी दुर्घटना हुई हमारे यहाँ। और अब एक संदेश मैं सभी ऑटो चालकों और इनको देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरीके के ओवरलोड वाहन शहर में दौड़ा रहे हैं, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से ये अभियान शुरू हो गया है। आज बागेश्वर धाम में भी हमारी टीम के द्वारा 11 ओवरलोड ऑटो पे कार्रवाई की गई है। कल से सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। शहर के मुख्य चौराहों पे हमने टीम गठित कर दी है। यातायात के एसआईओ की टीम बनी है। छत्रसाल, मोती महल बस स्टैंड, फव्वारा, गांधी चौक, आकाशवाड़ी, यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जाएंगी। और इस तरीके के जो व्यक्ति हैं, जो 3 सवारी बगैर नंबर के वाहन लेके घूम रहे हैं और मुंह पे कपड़ा बांध के घूम रहे हैं, स्टंट बाज कर रहे हैं, साइलेंसर मोडिफाइड लगा रखा है, और ओवरलोड ऑटो और ई रिक्शा, इन पे सघन कार्रवाई अभियान शुरू किया जा रहा है। और कल से आप लोगों को यह देखने में आएगा कि सख्ती के साथ इन पे कार्रवाई की जाएगी।